आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं क्रूसेड्स पे लेक्चर बना रहा था दोस्तों, और एकदम से तुरंत अभी मुझे ये खबर मिली। मुझे क्या मतलब नोटिफिकेशन है कि केरल में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, तो सामने ही मेरे सामने लाइव अपडेट्स हैं, क्या हुआ है बात करेंगे। कोचीन सेंटर पे, कोचीन कन्वेंशन सेंटर पे क्रिश्चियंस मीटिंग हुई और वहां पे ब्लास्ट हुआ, और ऐसा बोला जा रहा है, देखिए अभी तो खबरें आ रही हैं तो थोड़ा सा क्लियरिटी में टाइम लगेगा, बट ये बोला जा रहा है कि एक की मौत, 30 से ज्यादा घायल, और ये आंकड़ा 50 तक जा सकता है। ठीक है, तो तगड़ा ब्लास्ट है। सुबह 9 बजे के करीब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया कि ब्लास्ट हुआ है, और उसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पिनरई विजयन जो कि वहां के सीएम है, उन्होंने कहा कि शांति बनाए रखे। केरल में दोस्तों आपको पता ही है कि प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट भी हो रहे थे पैलेस्टीन को लेके, और वहां ये आशंका जताई जा रही थी कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, और यहां यह भी बोला गया है कि शायद ज्यूइश सेटलमेंट्स में, क्योंकि केरल में है, वहां पे भी हमला हो सकता है। दिल्ली को भी हाई अलर्ट पे इस समय रखा गया है। तो अपडेट्स हम देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, जो केरल के मिनिस्टर वी मुरलीधरन, उन्होंने कहा है कि ये टेररिस्ट एक्ट है और ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि प्रेयर मीटिंग चल रही थी। ठीक है, प्रेयर मीटिंग चल रही थी, लोग प्रार्थना करने आए थे, और वहां पे ब्लास्ट होना, इतने लोगों का घायल होना, और हो सकता है भी 7 से 8 लोग तो आईसीयू में भर्ती हैं, तो मौत का आंकड़ा भी ऊपर जा सकता है। बहुत ही दुखद घटना है ये, दैट इज वेरी वेरी शॉकिंग। अभी तक 40 से ज्यादा घायल है, और जैसा कि हमने बताया, यहां पे जो हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज है वो ये बता रही कि ये नंबर्स और ऊपर जा सकते हैं। अमित शाह ने मीटिंग बुलाई है, एनआईए को तुरंत भेजा गया है, एनआईए का ग्रुप है वहां पे, जांच कर रहा है कि आखिरकार ब्लास्ट कैसे हुआ। अमित शाह ने बोला है कि ये एक मतलब एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और सिक्योरिटी एकदम टाइट होनी चाहिए, और दिल्ली को भी हाई अलर्ट पे रखा गया है जैसे ही केरल में ब्लास्ट हुआ। ठीक है ना, तो स्पेशल सेल लगातार इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ टच में है। दिल्ली में भी क्राउडेड प्लेसेस पे ऐसी कोई घटना हो सकती है, यह भी खबर मिली है, तो इसीलिए हाई अलर्ट पे है। राजीव चंद्रशेखर जो यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कंडेम किया है कि इस तरीके की जो हरकत है वो नहीं होनी चाहिए, और ऐसी जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है ये बहुत ही गलत है। अब यहां पे देखिए, पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, बट यहां पे कांग्रेस, यूपी, इन सबके ऊपर, इंडिया अलायंस के ऊपर आरोप लगाए कि जो हेट पॉलिटिक्स ये लोग फैला रहे हैं, ये गलत है। हालांकि मेरे हिसाब से इसमें पॉलिटिक्स ना ही हो तो ज्यादा बेटर है। एक और चीज, हमास इजराइल वॉर चल रहा है, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पैलेस्टीन को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यूके, फ्रांस में बैन है इस तरीके के प्रोटेस्ट, हिंसक हो सकते हैं ना, और हर जगह प्रोटेस्ट। तो इसीलिए हाई अलर्ट ज्यूइश सेटलमेंट, जहां पे इंडिया में ज्यूइश प्लेसेस है, सेटलमेंट्स तो नहीं कहेंगे, जो यहूदियों की जगह है, वहां पे भी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अलर्ट इशू किए हैं कि हमले हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रहे। 2 आईसिस टेररिस्ट जो कि अभी दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किए, उन्होंने बोला था कि भैया ये मतलब जो मुंबई में ज्यूइश की एक साइट है वहां पे हमला करने की एक फिराक में थे। ठीक है, और अभी मध्य प्रदेश में भी दोस्तों ये भी बोला कि एक नेटवर्क जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल सूफा मध्य प्रदेश के रतलाम में, उसको भी एक्सपोज किया कि ये भी हमले की फिराक में थे। अभी दोस्तों जस्ट मैंने खोला है, ठीक है, मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि ब्लास्ट हुआ है, तो जस्ट तुरंत मैंने अपडेट्स खोली है कि आपके सामने मैं भी अपडेट्स इनफैक्ट जो है वो पढ़ रहा हूं। कुछ मुझे पता थी और कुछ अभी नई अपडेट्स आ रही हैं। ठीक है, और यहां पे आईईडी, ठीक है, जो इंटेलिजेंट एक्सप्लोसिव डिवाइसेस होते हैं, उसको प्लांट किया गया था, केरल के डीजीपी ने बताया है। ठीक है, और सुबह लगभग 9:40 पे एक एक्सप्लोजन हुआ जामरा इंटरनेशनल कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर, जहां पे एक इंसान की मौत हुई, 36 से ज्यादा लोग घायल हुए, और जो रीजनल कन्वेंशन यहां पे हो रहा था, जितने भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स थे वो स्पॉट पे ही मौजूद थे, हमारे जो एडिशनल डीजीपी हैं वो भी रास्ते में ही है ताकि चीजों को ठीक किया जाए। ठीक है, तो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में यही पता चला है कि जो ब्लास्ट था वो आईईडी की वजह से हुआ था, है ना। दिल्ली की भी टीम, जो नेशनल बॉम्बे डेटा सेंटर एनएसजी, वो भी केरल के लिए रवाना हुई है। यूपी में भी हाई अलर्ट इशू हुआ है केरल ब्लास्ट के बाद, ठीक है ना, कि स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने यही बोला है
कि उत्तर प्रदेश में जो भीड़ वाली जगह है जहां पे पॉसिबल जो टारगेट्स हो सकते हैं ब्लास्ट के, हाई अलर्ट, वहां पे भी एटीएस को भी अलर्ट किया गया है। और अथॉरिटीज ने यही बोला है कि इसराइल पैलेस्तीन वॉर चल रहा है, जगहों पे जो सेंसिटिव जगह उनको भी क्लोजली मॉनिटर किया जाए। तो लखनऊ, अलीगढ़, वाराणसी, कानपुर, मेरठ, हापुड़, बागपत, बरेली, रामपुर और आगरा, ये सारी जगहों पे हाई अलर्ट इशू किया गया है, यानी कि पूरे यूपी में ही एक तरीके से हाई अलर्ट है। बाकी दो अभी और नई अपडेट्स आई हैं, वो हम देखते हैं। एक तो ये अपडेट है दोस्तों कि 14 डिस्ट्रिक्ट में केरल ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है, रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप्स पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। जो औरत की मौत हुई है, यहां पे केरल के मिनिस्टर वीएन वासवान ये कह रहे हैं कि इसमें जो औरत की मौत हुई है वो ब्लास्ट की वजह से नहीं है, फायर की वजह से, मतलब ब्लास्ट हुआ तो आग लग गई, ठीक है, उसकी वजह से यहां पे मीडिया से बात करते हुए ये इन्होंने बोला है। तो ये दोस्तों अभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। जो 10 लोग घायल हुए हैं, 50% से ज्यादा जल गए हैं वो, और 36 में से 5 जो है दे आर इन क्रिटिकल कंडीशन। विटनेस बता रहे हैं कि हमने 3 ब्लास्ट जो है एक के बाद एक एर्नाकुलम कन्वेंशन सेंटर में सुने थे, यानी कि मल्टीपल ब्लास्ट हुए हैं, एक ब्लास्ट नहीं। तो जैसा कि हमने बताया, सब जांच के बाद ही पता चलेगा। तो देखेंगे दोस्तों जो भी अपडेट होगी और मैं आपको बताऊंगा, अभी इसकी जानकारी आने दीजिए। एक बात है कि जब से एनआईए आई है तब से इस तरीके के इंसिडेंट हमने को देखने को नहीं मिलते हैं। 2009 में इसको बनाया गया था, 26/11 के बाद मनमोहन सिंह ने इसको बनाया था, और नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है एनआईए, तो उन्होंने कमाल का काम किया। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो कम्युनिकेशन रहता है, जो सिंक्रोनाइजेशन रहता है, वो जबरदस्त है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लास्ट को, जितने भी आतंकी गतिविधियां ब्लास्ट, उनको टाला गया है। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स आए जहां पे घटना खतरनाक रूप ले सकती थी, मतलब प्लानिंग पूरी थी लेकिन एंड मोमेंट पे दे आर बीन फॉइल्ड। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही हमारी जांच एजेंसीज की, ठीक है। तो बाकी जो होगा हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।